इसको रिकन्टिन्यू कर दिया, ठीक है ना। बाहर फिर से खुश आमदेद, ज़ाहिर व्लॉग बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको पार्ट्स में डालूँगा ताकि आप लोग आसानी से देख सकें, बोर ना हो। ये पूरी मार्केट है, ये शायद रास्ता जी एरिया की तरफ कहीं निकलता है, ये राइट वाला एच एरिया शायद कहलाता है। लियाकत मार्केट का एक गेट ये है, आगे उधर चौरंगी की तरफ से गेट है। आबादी बढ़ गई है, उल्टे आपके पूरी लियाकत मार्केट है, सीधे आपके उल्टे आपके सब लियाकत मार्केट के अंदर थी। ये सामने ये जो शॉप्स हैं राउंड अबाउट के अंदर, अब शॉप बनी हुई है, पहले ऑफिस था यहाँ पे। भाई रास्ता दे दे यार, जनाब लियाकत मार्केट से पूरी लियाकत में बड़ी सिस्टमेटिक मार्केट थी। और यहीं पर ही आगे जाकर एक सिनेमा भी था, कैसीनो सिनेमा। अब पता नहीं सिनेमा है नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ इधर राइट उधर जाके कैसीनो सिनेमा था। जब वो कैसीनो सिनेमा की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उसकी छत गिर गई थी, छत गिर गई थी, बहुत से लोग उस पर जख्मी हुए थे। मुझे याद है तो मैंने आपसे शेयर कर लूँ। ये भी सब पहले शॉप्स इस तरह नहीं थी, यहाँ पहले लंडा बाज़ार भी था, यहाँ पर इसी शॉप से अब भी शायद है लेकिन कम है। लंडा बाज़ार के नाम से बहुत सारी कपड़े वगैरह की शॉप थी, लंडा बाज़ार वाले कपड़े की शॉप थी, ठीक थे शॉप को। ये बराबर में इसके एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली की ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ मिल जाती थी लोगों को। यहाँ पे एक हुर्रियत स्कूल था, प्राइवेट जब स्कूल होते थे यहाँ लेफ्ट साइड पे हुर्रियत स्कूल होता था, और जहाँ ये अर्शी क्लिनिक डॉक्टर महमूद बैठता है यहाँ मॉडल स्कूल होता था। बहुत 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 बेहतरीन प्राइवेट स्कूल था उस वक्त के, मैं अपने चाइल्डहुड एज की बात बता रहा हूँ, जब नेशनलाइज नहीं हुए थे उस वक्त यहाँ ये स्कूल था। बाद में नेशनलाइज हो गए थे तो ये ख़त्म हो गए थे, और ये यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। ये जनाब ये रास्ता लेफ्ट को जाता है तो लेफ्ट पे निकलता है रास्ता लाल मस्जिद की तरफ। ये जनाब यहाँ पर एक
सी एरिया है, यहाँ पे पूरा राइट साइड पे ग्राउंड होता था, पूरा ग्राउंड या क्रिकेट फुटबॉल सब लोग खेलते थे, बच्चे बड़े सभी। उसके बाद फिर ये ग्राउंड के अंदर एक आते ऑफिस बन गया, केएमसी का ऑफिस। फिर वो ऑफिस बनने के बाद फिर ग्राउंड छोटा हो गया। फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक बाउंड्री बन गई, जिससे फिर ये लाल मस्जिद है, लेफ्ट राइट साइड पे लाल मस्जिद है, अभी आपने देखी ये लाल मस्जिद है। तो ये लाल मस्जिद का एरिया है। लाल मस्जिद अपने वक्त की बड़ी मशहूर मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद। तो एक्सटेंड हो गई, तो ये मैं ही बता रहा था यहाँ पे कि ये जो थे क्या नाम है, जो ये ग्राउंड था, फिर यहाँ पे बाद में घांची हाल बन गया। घांची हाल बन गया तो और ग्राउंड छोटा हो गया, फिर छोटे होने के बाद थोड़ी सी जगह बाकी रही, फिर वो मस्जिद एक्सटेंड हो गई। तो अब तो बिल्कुल ही वहाँ ग्राउंड नहीं है। तो पहले वो ग्राउंड था आरसीडी का, उसके बाद बीच में एक ग्राउंड सौदाबाद का और था, फिर ये वाला ग्राउंड था, ये वाला जो सी एरिया वाला ग्राउंड है, फिर ये एक ग्राउंड था। ये मुझे पीछे जाना था, आगे निकल गया था। तो ये एरिया में सारी जगह ग्राउंड थे, तो मैं राइट जाना है मुझे। ये भी एक ग्राउंड था राइट पे, अब भी है ग्राउंड, लेकिन अब इसको बाउंड्री वाल बना दिया। ये पहले यहाँ डिस्पेंसरी थी गवर्नमेंट, और अभी भी डिस्पेंसरी है। और ये लेफ्ट साइड पे तमाम हैं। यहाँ पर एक साहब रहते थे जो बिल्कुल वहीद मुराद की तरह, उनकी ड्रेसिंग थी वहीद मुराद की तरह रहते थे। आप पता नहीं उनका, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने उनको देखा था यहाँ पे। यहाँ पर एक लड़का दोस्त भी मेरा रहता था, सरफराज। ये एरिया है, ये राइट साइड पे अपने ग्राउंड था, और ये डिस्पेंसरी राइट साइड। जनाब यहाँ है बड़ा, यहाँ राइट पे ग्राउंड था, ये स्कूल था, स्कूल है शायद, अभी पता नहीं क्या इसकी पोजीशन है। पाकिस्तान पब्लिक गवर्नमेंट बॉयज स्कूल ये है। ये पहले जब नेशनलाइज नहीं गए थे तो उससे पहले ये प्राइवेट स्कूल था, बड़ा हाई फाई स्कूल था अपने वक्त का। राइट साइड पे ग्राउंड था, और छोटी छोटी डिस्पेंसरियों की जगह बनी हुई थी। राइट डिस्पेंसरी गवर्नमेंट थी, उसके साथ एक यहाँ पे उनकी रेजिडेंस के लिए जगह बनी थी। और इसके बराबर में ये इसका प्राइमरी स्कूल था, ये स्कूल यहाँ प्राइमरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था। यहाँ पे भी नाम लिखा है, इसका गेट है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैंने बोला आपको ज़रा इनसे विज़िट करवाऊँ। तो मुझे जाना है, सीधे ही निकलता हूँ।
सूरज इस वक्त आग बरसा रहा है, शदीद गर्मी है, हवा अपनी जगह चल रही है लेकिन जाहिर है धूप की तपिश अपनी जगह है। खाने का स्टाफ है, बर्फ़ खाना का स्टाफ जो कहलाता था, यहाँ बर्फ़ खाना था, बर्फ़ बनती थी, अब भी है नहीं है। और यहाँ एक मस्जिद है जामा मुस्तफ़ा मस्जिद, लेफ्ट पे यहाँ राइट साइड पे एक स्कूल था, कोई गोदाम स्कूल शायद कहलाता था, गोदाम स्कूल पता नहीं अब है नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर कोई है आपकी पता है आपको किसी को तो कमेंट्स करके बताइए, शेयर कीजिए हमसे। अब जनाब सामने एरिया जो निकल जाता है बी एरिया शायद कहलाता है, और ये है बर्फ़ खाने की कोने पे बिल्डिंग। अब बर्फ़ खाना है नहीं ये मुझे नहीं पता, अगर आपके नॉलेज में है तो शेयर कीजिए। ये साइड पे एक इमाम दारगाह है हमारे फ़िक़्हे जाफ़रिया के वरीब के फ़िक़्हे जाफ़रिया का एरिया है, यहाँ इमाम दारगाह है। और ये जनाब स्कूल सामने जो नज़र आ रहा है मुझे, ये मलीर चेस्ट क्लिनिक की तरफ स्कूल चला जाता है, चेस्ट की तरफ रास्ता, और यहीं पर ये स्कूल है लेफ्ट साइड पर। ये स्कूल कौन सा गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के नाम से है, ये गर्ल्स स्कूल होता था। यहाँ एक वक्त के अंदर 70s-80s के अंदर यहाँ पे एक हेडमिस्ट्रेस होती थी मिसेस सलीम के नाम से, बड़ी सख्त थी और बड़ी उसूल पसंद थी और बहुत ही स्कूल उनके दौर में बड़ा अच्छा चलता था ये स्कूल। बाहर बहुत अरसा हो गया, अल्लाह उन्हें जहाँ भी हैं अपनी ना और इस ज़बान में रखें और उनके साथ बहुत सारी दुआएं। ये जनाब एक और एरिया आ गया, ये जनाब राइट साइड पे एक मस्जिद है, यहाँ मुफ्ती कारी मुमताज रहमानी साहब यहाँ पढ़ाते थे पहले नमाज, फिर उसके बाद तदफीन भी इसी में कर दी। लेफ्ट साइड पे एक एरिया है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर भी एक स्कूल था इस ग्राउंड के अंदर, वो स्कूल है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ कुछ नज़र आएगा आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पर तो बाजार लगा हुआ है, कोई आज हफ्ता बाजार को लगा हुआ है यहाँ पर, अच्छा है लोगों की सहूलत के लिए एरियाज में इस तरह के बाजार, लेकिन बस रास्ते डिस्टर्ब ना हो, किसी के आने जाने में रुकावट ना हो, इस तरह से मैनेज करना चाहिए। ये सामने जो एरिया ये शायद मिलट टाउन कहलाता है, मिलट ये मिल्लत गार्डन सोसाइटी का सामने, ठीक है ना। चलिए ज़रा सा इसका भी आपको विजिट करा दें। यहाँ एक हमारे दोस्त रहते हैं, वो तो यहाँ नहीं है, बाहर हैं स्कूल से, लेकिन उनकी फैमिलीज वगैरह यहाँ रहती हैं। मिल्लत टाउन का एरिया बड़ा अच्छा साफ सुथरा पीसफुल एरिया है, ये जनाब मिल्लत टाउन है। ये कभी पहले वो होते थे, खेत होते थे, खेतों की जगह होती थी, बाद में सब रेजिडेंशियल एरिया बन गया।
ज़्यादा आगे नहीं जाना चाह रहा, फिर रास्ता ज़रा मुश्किल ना हो जाए, नहीं तो मैं इधर से ही लेफ्ट ले लेता हूँ। जो लोग नए हैं, जिन्होंने यहाँ पहले ये एरियाज नहीं देखे हैं, उनके लिए तो एक मालूमात है, और जो लोग पहले देख चुके हैं एरियाज को जानते हैं, उनके लिए एक उनकी मेमोरी है। बताएं पहले यहाँ क्या था इस सोसाइटी से पहले, आप लोग कमेंट्स करें, बताएं, शेयर करें, अपनी व्यू शेयर करें। चलिए, हम सब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, जगह जगह जाते हैं, धूप हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोशिश करते हैं कि आपको एंटरटेन कर सकें, आपको मालूमात फराहम कर सकें, जो हमारे बस में होता है करने की कोशिश करते हैं। शाम के वक्त तो रश हो जाता है रोडों पर, तो शाम के एरियाज में फिर उस हिसाब से निकलना पड़ता है। ये कोई स्कूल भी है यहाँ पे, ग्रामर स्कूल, बन जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बनते हैं रोड, लेकिन ज़ाहिर निकासी आप नहीं होता, बारिश वगैरह का जब पानी खड़ा हो जाता है फिर वो रोड की हालत ख़राब होती है। फिर यहाँ पे जो स्कूल था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद है तो ज़रा शेयर करें, कौन सा स्कूल है लेफ्ट साइड पर। ये मुमताज़ रहमानी साहब के सामने मस्जिद जिसमें वो नमाज़ पढ़ाते थे, उसी में उनकी तदफीन है, उनका मज़ार भी उसी में है। जनाब अब हम आ गए ये चोरंगी पे, ये सामने शायद पुलिस स्टेशन है, और इस पुलिस स्टेशन पर आगे एक आसिफ स्कूल होता था, आसिफ गर्ल्स स्कूल, लालम अभी है नहीं है, मुझे अगर आपको पता है तो शेयर कीजिए, नहीं तो यहाँ एक ऑफिस था, ठीक है जनाब, वो स्कूल था, अभी नहीं पता कि स्कूल है नहीं है, बिल्डिंग तो नज़र आ रही है मुझे लेकिन अब स्कूल है नहीं है, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं पता। अच्छा, मैं अब ये रास्ता ज़रा मुश्किल आएगा, मैं यहीं से दोबारा एक राउंड लगा के आपको दिखाऊं। ये जनाब उल्टे हाथ पे दरख्शा सोसाइटी के नाते अपने वक्त की बेहतरीन सोसाइटी, बहुत साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन सोसाइटी, अच्छी पढ़ी लिखी जनपे रहती है। अब क्या हाल है मुझे नहीं पता, आप लोग बताएं, मुझसे शेयर करें कैसे वहाँ सोसाइटी है, क्या है सफाई सुथराई का निज़ाम, सही है या कुछ कमी पेशी हुई है। जाती है अब यहाँ
देखो वीडियो में बहुत शेक हो रही होगी, जलती जलती नजर आ रही है। जाहिर है जो आपके सामने जगह है मैं उसी को दिखाऊंगा, वैसा ही होगा। यहाँ पे वीडियो वैसे ही बनेगी, जाहिर है रोड की वजह से, ऊंची ऊंची रोड की वजह से। हाँ स्मूथ रोड होंगे वहाँ वीडियो शेक नहीं करेगी, इसमें फिलहाल आप कहीं ना कहीं शेक करते ही वीडियो नज़र आएगी। मैंने इधर से यूँ लिया है कि मैं उधर से जाता तो फिर मुझे वो रास्ता मिलता नहीं, तो मैं चला रहा हूँ ज़रा सा ये यहाँ से ये रास्ता। और जब हम शारा फैसल जा रहे थे ना, हम तो एयरपोर्ट के अंदर चले गए थे। अगर यहाँ से ज्वाइन करें एयरपोर्ट से, तो अगर इसी रोड से सीधे आ जाएं तो ये वाला रोड हमें सीधा मिलेगा, ये वाला जिस पर हम आ रहे हैं। ये जनाब लेफ़्ट साइड के ऊपर ये पूरी दर्शा सोसाइटी है। यहाँ पहले शॉप शुरू के अंदर नहीं होती थी, सब बैंगलोस थे, बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत बैंगलोस थे। अब जो है ज़ाहिर है कमर्शियल एरिया और बन गया ये वाले बड़ी तो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक मुमताज़ हॉस्पिटल है और एक निहाल हॉस्पिटल। यहाँ एक कॉलेज होता था जहाँ डिप्लोमा होता था, सी काम डी काम करवाया जाता था यहाँ पे। और मुझे नहीं पता कि वहाँ यहाँ डिप्लोमा का वो जो सेंटर था, जगह थी, वो है नहीं है। अगर किसी की नॉलेज में है तो मुझसे शेयर करें, बताएं। तो अभी मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी। तो ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, आज से कोई 30-35-40 साल पहले। तो ये तमाम ये आपको लेफ्ट साइड पर मुमताज़ हॉस्पिटल एक नज़र आएगा। सबसे पहले निहाल हॉस्पिटल था यहाँ, निहाल हॉस्पिटल पहले यहाँ कॉर्नर पे भी नहीं था, आगे उधर राउंड अबाउट पे था, बाद में फिर निहाल हॉस्पिटल यहाँ पे आया। ये निहाल हॉस्पिटल इसी के बराबर में ये मुमताज़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, ये निहाल हॉस्पिटल। वाकिफ होंगे इससे, बिल्कुल वाकिफ होंगे जो लोग यहाँ से रहते होंगे, यहाँ आए होंगे, गुजरे होंगे, जरूर वाकिफ होंगे। शेयर करें अपनी मेमोरीज हमसे। ये जनाब काला बोर्ड का स्टाफ कहलाता है। ये आगे निकल जाता है रोड तो सीधा मलिर सिटी और कायदाबाद की तरफ रोड चला जाता है। ये जो काला बोर्ड का एरिया है, तमाम सराम काला बोर्ड का एरिया कहलाता है, काला बोर्ड के चौराहा है। यहाँ से तमाम फोर सीटर वगैरह चलते हैं, ये देखिए 4-सीटर 6-सीटर जो हम कहते हैं, यहाँ से ये कोकराबाड़ तक जाते हैं या सौदाबाद तक जाते हैं। यहाँ से लोग अपने अंदरूनी जाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये अभी तक मौजूद हैं, चल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ है कि आँखों का अस्पताल भी यहाँ पर है। जना मैं ये दिखाने के लिए दोबारा इधर आया था कि काला बोर्ड का एरिया भी आपको दिखा रहा हूँ। आज सिर्फ गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल लिखा हुआ है इस पर, लेकिन पहले गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल था। अल्लाह आलम, या बॉयज गर्ल्स था एक टाइम में, शायद एक शिफ्ट में गर्ल्स था एक टाइम में बॉयज था, या अब भी ऐसा ही है कुछ, मुझे नहीं पता। आपको अगर मालूम है तो शेयर कीजिए। अब मैं अपने यहाँ से इस एरिए का व्लॉग कम्प्लीट कर रहा हूँ। आपसे इजाज़त चाहेंगे जाने से पहले, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने गिर्द सारे माहौल का ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखिए, ताकि ख़ुद को भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करें। तो ख्याल रखें अपना सबका। मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में, हो सकता है मैं आगे जहाँ बनाऊँ उसके साथ कंटिन्यू करूँ। लेकिन ये मलिर का मैंने यहाँ पे इसको दी एंड कर रहा हूँ, मलिर का विजिट को। फिर इंशाल्लाह आपसे दूसरे ब्लॉग में मुलाकात मिलते हैं। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानी।